दोस्तों फाइनली आज इंडियन मार्केट में सैमसंग का गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन का आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला वेरिएंट होगा 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, जो कि आपको 11,000 रुपये में देखने को मिलेगा। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपको 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, जो कि 12,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो में कंपेरिजन करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन का और रेडमी के नोट 10 स्मार्टफोन का, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन की जो स्पेक्स ना वो काफ़ी सिमिलर सी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर प्राइस 1,000 रुपये महंगा देखने को मिलती है आपको रेडमी के नोट 10 स्मार्टफोन की। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पर सैमसंग के फैन हैं और यहां पर कुछ भी हो जाए, आप कंपैरिजन देखने के बाद भी सैमसंग का ही स्मार्टफोन बाय करने वाले हैं, तो यहां पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप इस स्मार्टफोन का 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट बाय कीजिए 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद। अब दोस्तों यहां पर आपको दो फायदे होंगे 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट बाय करने में। पहला दोस्तों फायदा यह होगा कि आपको 1,000 रुपये पे करने के बाद 64GB स्टोरेज एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और दूसरा फायदा यह होगा दोस्तों कि आपका स्मार्टफोन कम लैग होगा। अब दोस्तों यहां पर एक फैक्ट है कि जितनी स्टोरेज आप अपने स्मार्टफोन को फ्री देंगे उतना ही आपका स्मार्टफोन कम लैग होगा, और स्टोरेज पे कम लोड होने की वजह से आपका स्मार्टफोन आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा। अब देखिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो मैं आपके लिए जाना लाता रहता हूं। तो बिना देर के वीडियो को आगे शुरू करते हैं, और दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड करने के बाद वीडियो में आपसे आगे मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों ही स्मार्टफोन को साइड बाय साइड कर लिया है। यहाँ पर आपको एक तरफ रेडमी का नोट 10 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको सैमसंग का गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्राइस की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर जो सैमसंग की F12 स्मार्टफोन की प्राइस है वो यहाँ पर 11,000 रुपये है। यहाँ पर आपको 1,000 रुपये ऑफर माइनस करने के बाद प्राइस दिखा रहा है, लेकिन इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत यहाँ पर 11,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है, जबकि रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत आपको 12,000 रुपये देखने को मिलती है। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन में वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 1,000 रुपये में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप सही वे में दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स को कंपेयर करते हो ना, तो यहाँ पर आपको क्लियर विनर दिख जाएगा रेडमी का नोट 10 स्मार्टफोन। तो बिना देर के यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन शुरू करते हैं, और यहाँ पर स्टार्टिंग हम करेंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको क्लियर विनर मिलेगा रेडमी का नोट 10 स्मार्टफोन। क्यों, उसकी वजह मैं आपसे बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक 6.43 इंचेस का है फुल HD प्लस। जी हाँ दोस्तों, फुल HD प्लस देखने को मिलता है रेडमी नोट 10 में आपको, जबकि यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी F12 में आपको एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.5 इंचेस का, जो कि HD प्लस है, यानी कि आपको फुल HD नहीं दिया गया सैमसंग में। अब वहीं पर रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा सैमसंग के स्मार्टफोन में, जबकि यहाँ पर आपको रेडमी का नोट 10 स्मार्टफोन में कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल होता है, उसे यहाँ पर कंपनी मेंशन नहीं करती। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो सैमसंग के इस F12 स्मार्टफोन में कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती, जिससे आपका स्मार्टफोन बहुत जल्दी टूट सकता है, लेकिन रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन में आपको कॉन्केव ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि इसी वजह से क्लियर विनर हो जाता है। प्लस यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड फुल HD प्लस कॉन्केव ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर तीन चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है सैमसंग के स्मार्टफोन से। सैमसंग में सिर्फ आपको एक ही एडवांटेज मिलता है, जो कि 90Hz का रिफ्रेश रेट है। वहीं पर पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों सैमसंग का जो स्मार्टफोन है ना, वो थोड़ा आपको भारी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जबकि रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन आपको थोड़ा हल्का देखने को मिल जाता है, तो कि उसमें आपको थोड़ी हल्की बैटरी देखने को मिल जाती है, कम mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको सिंपल IP रेटिंग भी दी गई है रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन, जबकि यहाँ पर कोई भी IP रेटिंग नहीं दी गई है। सैमसंग ने अपने लॉन्च इवेंट में ऐसे किसी भी IP रेटिंग का जिक्र नहीं किया है, मैंने आज इसका लॉन्च इवेंट देखा था। अब देखिए वहीं पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पीछे की तरफ कैमरा की। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों स्मार्टफोन में आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों आपको पीछे की तरफ सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो एक्चुअल में आपको कंपैरिजन देखने को मिलता है ना, वो दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में है। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरा में आपको क्लियर विनर मिलेगा रेडमी का नोट 10 स्मार्टफोन। क्यों दोस्तों, यहाँ पर आपको क्योंकि 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है पंच होल, और यहाँ पर F12 में आपको देखने को मिलता है 8MP, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी एडवांटेज देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों बैटरी की बात करें, यहाँ पर आपको रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और F12 में आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सैमसंग का स्मार्टफोन थोड़ा भारी भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है कम बैटरी होने के बावजूद रेडमी
नोट 10 स्मार्टफोन में। यहाँ पर आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जबकि 6000 एमएएच की होने बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पर सैमसंग ने आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर दिया है। और दोनों स्मार्टफोन में आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यह है कि यहाँ पर आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स यानी बॉक्स में देखने को मिल जाता है, जिससे आपका स्मार्टफोन 74 मिनट में 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। अगर आप 0 to 100% सैमसंग गैलेक्सी F12 को चार्ज करेंगे ना, करीब आपको 3 घंटे का वेट करना होगा, जो कि काफ़ी बड़ा समय है। अब दोनों स्मार्टफोन का बेस वेरियंट 64GB स्टोरेज के साथ में आता है। यहाँ पर आप चाहे तो रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन का जो है ना वो 128GB स्टोरेज वेरियंट भी बाय कर सकते हैं। हालांकि अभी इतनी जल्दी आपको वो नहीं मिलेगा, सेल में आउट ऑफ स्टॉक है, दोनों स्मार्टफोन अभी इंडिया मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। चाहे तो आप अमेज़ॉन पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। अब वहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की बैटरी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर सैमसंग का स्मार्टफोन थोड़ा फास्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उतना हैवी लोड आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलता है 678, जो कि रेडमी के नोट 10 में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, काफ़ी हैवी लोड आप यहाँ पर रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन पर यूज़ कर पाएंगे। हालाँकि थोड़ा स्लो आपको देखने को मिल सकता है, जबकि सैमसंग का गैलेक्सी F12 आपको 8 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर और बेस जो कि काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको गेमिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती है ना, जिसे आप जीबी में कहते हैं, वो यहाँ पर रेडमी के नोट 10 स्मार्टफोन में ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। तो इस साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सैमसंग का गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी यहाँ पर सैमसंग M12 के नाम से लॉन्च कर चुका था, इसका ये एक रीब्रांडेड वर्जन है और यहाँ पर सैमसंग ने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर TFT डिस्प्ले की जगह IPS LCD डिस्प्ले दी है, उसके अलावा सैमसंग ने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर पहले भी क्लियर विनर था रेडमी का नोट 10 स्मार्टफोन और अब भी क्लियर विनर है रेडमी का नोट 10 स्मार्टफोन। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पर अगर आप फिर भी सैमसंग का स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका 12,000 रुपये वाला यानी कि 4GB रैम और 128GB स्टोरेज भी बाय करें, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है, वरना आपका स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा 4GB स्टोरेज के साथ में, क्योंकि आपकी स्टोरेज एकदम फुल हो जाएगी। अब देखिए अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करें पॉइंट वाइज, तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट देखने को मिल जाता है डिस्प्ले मर, जो कि यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता सैमसंग गैलेक्सी F12 में। कैमरे में भी आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और यहाँ पर बैटरी में भी आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और प्रोसेसर में भी आपको ज़्यादा बेहतर। यहाँ पर सैमसंग किसी भी चीज़ में यहाँ पर बीट नहीं करता है रेडमी के नोट 10 स्मार्टफोन को, जबकि रेडमी का नोट 10 सैमसंग के F12 स्मार्टफोन को पूरी तरह से बीट कर देता है सिर्फ 1,000 रुपये के डिफरेंस में। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद आप कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये कंपेरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।